गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल अंडरस्टैंड वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू द एंट्री एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो सॉफ्टवेयर एंट्री एडिटिंग और प्रिंटिंग के लिए बनाया जाता है वो वर्ड प्रोसेसिंग होता है। जैसे कि MS Word एक वर्ड प्रोसेसिंग है जिसमें हम लेटर, मेमोरेंडम, फैक्सेस, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, वन पेज फ्लायर्स, ईमेल्स, ये सब उसमें हम तैयार कर सकते हैं। रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, द सर्च फीचर्स कैन बी यूज इफ ए फाइल कैन नॉट बी फाउंड। फाइल नेम कैन बी सर्च थ्रू ए स्पेसिफिक ड्राइव्स। इसमें एक सर्च फंक्शन होता है जिससे कि हम कोई फाइल अगर हमें सर्च करनी है तो उस फाइल को हम सर्च कर सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं और सर्च में वो नाम डाल के हम उस फाइल को सर्च कर सकते हैं, उसे दोबारा हम ढूंढ सकते हैं और उसे रीओपन कर सकते हैं। रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, फाइल नेम कैन बी मॉडिफाइड वंस दे आर नेम यूजिंग दीज टूल्स। सेवेज फीचर्स, सॉफ्टवेयर फीचर्स, राइट क्लिक द फाइल नेम एंड माउस एंड सेलेक्ट रीनेम। इसमें हम फाइल को सेव कर सकते हैं और अगर हमने फाइल सेव कर दी है तो उसे हम दोबारा उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हम जहाँ पे फाइल सेव है वहाँ पर जाएंगे, माउस से वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। हमारे पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें दिया होगा ओपन न्यू प्रिंट और इसमें लास्ट में दिया है रीनेम, तो रीनेम पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो हम वो नाम डिलीट करके वहाँ पर जिस नाम से हमें सेव करनी है वो नाम हम वहाँ पे लिख देंगे और फाइल सेव हो जाएगी। और दूसरा मेथड होता है कि हमने फाइल ओपन की और उसे हमने फिर दोबारा उस पर सेवेज किया तो फिर वहाँ पे हमें लोकेशन पूछी जाती है, हमें कहाँ पे सेव करनी है और किस नाम से सेव करनी है, तो हम वहाँ पे लोकेशन चूज कर लेंगे, हमें कहाँ पे वो फाइल सेव करनी है और किस नाम से सेव करनी वो हम वहाँ पर डाल देंगे। तो हम उस पर डालने के बाद जहाँ पे हम उसे सेव करेंगे तो वो फाइल वहीं पे सेव हो जाएगी जो नाम हमने डाला है उसी नाम से। और इसमें दिया है डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिलीटेड बाय यूजिंग टूल्स, दीज टूल्स, राइट क्लिक ऑन द फाइल, फाइल नेम विद माउस एंड सेलेक्ट डिलीट। मिस्टेकली डिलीट फाइल कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन। और इसी तरह हम फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, वैसे ही हमने उसमें जैसा भी मैंने बताया था रीनेम का, उसी तरह से हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर नीचे हम जाएंगे, नीचे हमें दिया होगा डिलीट, डिलीट फंक्शन में क्लिक करेंगे तो फिर वो पूछेगा कि हम फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम उस पर करेंगे यस, और यस करते ही फाइल वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम उसे डिलीट कर सकते हैं। और अगर मिस्टेकली फाइल हमसे डिलीट हो गई तो उसे हम दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, हम रिसाइकल बिन में जाएंगे, उसे ओपन करेंगे और वहाँ पे उस फाइल का नाम सर्च करेंगे तो हमें वो फाइल मिल जाएगी, तो हम उस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे। रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे वो फाइल थी वो दोबारा वहीं पे वो फाइल वापस आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, बिफोर प्रिंटिंग ए फाइनल ड्राफ्ट बी श्योर टू प्रोसीड रीड ओवर द डॉक्यूमेंट्स अगेन, आस्क नेवर टू प्रूफरीड, यूज स्पेलिंग ग्रामर चेक आफ्टर प्रूफरीडिंग, रिसेव एंड प्रिंट। हमें प्रिंट करने से पहले हम फाइल को एक बार पढ़ लेंगे, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है और उसमें हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को यूज कर सकते हैं, उससे हमें जो भी उसमें कुछ ग्रामेटिकली स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो वो पता चल जाती है और कुछ उसमें अदर एरर हैं तो सारा वहाँ पे हमें रेड कलर में नीचे उसके रेड लाइन दिखाई देती है या फिर वो हमें ग्रीन लाइन दिखाई देती है, तो उस समय पता चल जाता है उसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ एरर हैं, तो उन्हें हम चेक कर लेंगे और उसे हम राइट क्लिक करके, हमारे पास डिक्शनरी भी खुल जाती है तो वहाँ से भी हम स्पेलिंग चूज कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो फिर उसे वहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं और फिर हम उसका प्रिंट दे सकते हैं। फिर वहाँ पे प्रिंट कमांड ओपन होती है और वहाँ पे हम
प्रिंट दे देते हैं, हमें कितनी फाइल प्रिंट करनी, कितने पेज प्रिंट करने, वो सारी डिटेल हम वहाँ पर फिल करके फिर ओके करते हैं, तो फिर उस फाइल का प्रिंट हमारे पास आ जाता है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से भी हम उसमें सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर दैट हैव सिमिलर अपीयरेंस फॉन्ट एब्रिट्यूड्स एडिशन द इनहेंस योर फॉन्ट एंड इम्फेसिस फॉन्ट साइज द साइज ऑफ कैरेक्टर्स फॉन्ट फेस ए सेट ऑफ कैरेक्टर विद ए कॉमन स्टाइल एंड डिजाइन। तो हम फॉन्ट का जो फॉन्ट कैरेक्टर फॉर्मेटिंग उसे हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का हम साइज चेंज कर सकते हैं, उसे हम वहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर उसे घटा सकते हैं, उसे 14, 18 या फिर 20 जो भी हम साइज करना चाहें उसे कर सकते हैं। उसका हम वहाँ से हिंदी, इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज करनी है तो वो हम कर सकते हैं, और जिस तरह से भी हम चाहें तो हम उसमें चेंजेज कर सकते हैं, उसमें कलर दे सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, उसे हम शेडो दे सकते हैं, उसे फॉन्ट को हम अगर इंग्लिश में बहुत सारे वहाँ पे फॉन्ट होते हैं तो किसी भी स्टाइल में हम वहाँ से चूज कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल में वहाँ पे हम उसे ला सकते हैं, एरियल में ला सकते हैं, कैलिबरी में, टाइम्स न्यू रोमन या अदर बहुत सारे वहाँ पे फॉन्ट हैं, तो कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और लैंग्वेज हमें चेंज करनी तो हम लैंग्वेज भी वहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी हम चाहें तो वहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो फॉन्ट हमारे वहाँ पे इंस्टॉल होने चाहिए तभी वो वहाँ पे हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इंग्लिश के फॉन्ट वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं, तो इस तरह से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कमांड हम इसमें दे सकते हैं, तो ये सारा हम इसमें फॉर्मेटिंग में फॉन्ट में फॉन्ट ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कमांड थी जो हम जिससे हम अपने एमएस वर्ड के जो पेज है उसे हम और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।